जो सत्ते में रहता है उसको ज्यादा निधि दिया ही जाता है। कांग्रेस की सत्ता थी, राष्ट्रवादी की सत्ता थी, वो टाइम हमको कुछ नहीं मिलता था, हमने उसके बारे में कभी जिक्र भी किया नहीं। और वो चाहते कि हम सत्ते में ना रहते हुए भी उनको ज्यादा निधि मिलेगा, तो ऐसा होगा नहीं। अजीत दादा ने जो अभी निधि का बंटवारा किया है, वो निधि का बंटवारा शिवसेना, भाजप और राष्ट्रवादी के सभी आमदारों को समान किया है, उसमें कोई दूजा भाव किया नहीं है। सर एक और चीज, सर लगातार बरसात हो रही, कई सारे लोग मुंबई में जर्जर इमारतों में रहते हैं जो कभी भी गिर सकते हैं। सरकार अपील कर रही फिर भी लोग अपना घर खाली करने के लिए तैयार नहीं, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कुछ बिल्डिंग जो धोखादायक कहा जाती है, या तो बीएमसी ने जिनको धोखादायक घोषित किया है, वो लोगों ने वहाँ से निकलना जरूरी है। नहीं तो कोई भी हादसा होने के बाद फिर वो सरकार के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से भी मैं कहूँगा कि जिनको नोटिस दी गई है, कृपया अपने जान का बचाव के लिए, अभी जो तरीके से बारिश हो रही, जो जोर से बारिश हो रही, उसमें बचाव के लिए आप वहाँ से निकलना ही जरूरी है। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।